जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर मकराना से है, जहां विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद मंगलवार को मकराना उपखंड कार्यालय में मकराना निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी जेपी बेरवा ने राजनीतिक दलों की एक बैठक ली। इस बैठक में चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आचार संहिता के बारे में जानकारी दी। साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन पर कानूनन कार्रवाई के बारे में बताया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से संपन्न कराए जाने में सभी राजनीतिक दलों का सहयोग अपेक्षित है। इसके लिए सभी दलों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश का पालन करना होगा। इस दौरान उन्होंने स्थानीय मीडिया कर्मियों को भी आदर्श आचार संहिता व पेड न्यूज के बारे में जानकारी दी। इस दौरान तहसीलदार कृष्ण शर्मा सहित राजनीतिक दलों के पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मकराना से मतिन रांदर की विशेष रिपोर्ट। चुनाव की घोषणा के बाद में आदर्श आचार संहिता लागू हुई है, उसी के संबंध में आज सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों और आप सभी मीडिया बंधुओं को यहाँ बुलाया है और बुलाकर जो आदर्श आचार संहिता है उसके जितने भी प्रावधान हैं जो ECI द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसके अकॉर्डिंग उसकी पालना के लिए आप सबको पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेताओं को उन सबको हमने अवगत कराया कि आचार संहिता का ढंग से पालन हो और किसी प्रकार की जो है ऐसी घटना नहीं हो और शांतिपूर्वक मतदान हो, ये हमारा प्राथमिकता रही। और इसमें जैसा कि अभी डिस्कशन हुआ अपने कुछ सारी बातें अपन ने शेयर की हैं, जो भी व्हीकल हैं या पोस्टर पंपलेट या जितने भी यहाँ पहले के लगे हुए हैं स्टिकर्स जो ऐसे बड़े बड़े जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं।